हेलो गाइस, माय नेम इज नितेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे पिछले कई दिनों में कमेंट करके ये पूछा है कि हमने मशीन लर्निंग मॉडल बनाना तो सीख लिया, उसको वेबसाइट में कन्वर्ट करना भी सीख लिया, बट व्हाट इफ मुझे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है अपने मशीन लर्निंग मॉडल से, तो वो कैसे कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि एक एंड टू एंड ट्यूटोरियल बनाता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर हम एक मशीन लर्निंग मॉडल को एक एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करेंगे। सो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। इस वीडियो में आप एंड टू एंड सीखोगे कि मशीन लर्निंग मॉडल से एंड्रॉइड ऐप कैसे बनता है, ठीक है। सो उसके बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे टेंसर फ्लो आ जाता है। बट मशीन लर्निंग का अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप उसको बहुत ईजिली इस वीडियो को देखने के बाद एंड्रॉइड ऐप्स में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। अब एंड्रॉइड ऐप बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जावा यूज कर सकते हो, आप कोटलिन यूज कर सकते हो, आप फ्लटर भी यूज कर सकते हो, बट हम लोग इस वीडियो में जावा यूज करेंगे, जो सबसे पुराना तरीका है और आज भी बहुत सारी कंपनीज जावा यूज करके ही एंड्रॉइड ऐप बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे ये ऐप काम कर रहा है। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वो डेमो देखने के बाद आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो लेट्स सी द डेमो। डेमो के लिए ये एप्लीकेशन मैंने बनाया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वो ऐप है जो मैंने बनाया है इस वीडियो के लिए। ये एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको डेटा सेट दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि ये ऐप क्या करता है। सो मेरे पास एक टॉय डेटा सेट है स्टूडेंट प्लेसमेंट .csv बोल के। यहाँ पे अराउंड 300 स्टूडेंट्स का डेटा है, उनका CGPA मुझे पता है, उनका IQ पता है, उनका प्रोफाइल स्कोर पता है, और फिर ये पता है कि उनका प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। सो मेरे सामने एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, जहाँ पर मुझे एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना है जो मशीन लर्निंग को यूज करके ये बताएगा कि किसी स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा बेस्ड ऑन 3 इनपुट्स। CGPA कितना है उस स्टूडेंट का, IQ क्या है उस स्टूडेंट का, और प्रोफाइल स्कोर क्या है उस स्टूडेंट का, ठीक है। तो इस पूरे फ्लो में मैंने सबसे पहले एक मॉडल बनाया और फिर उस मॉडल को एक एंड्रॉइड ऐप में डिप्लॉय कर दिया। और अब मैं आपको उस एंड्रॉइड ऐप का फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ। सो अगर कोई भी यूजर आपका इस ऐप को खोलेगा तो वो ऐप ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 3 इनपुट्स देने, किसी भी स्टूडेंट का CGPA ले लेते हैं, लेट्स से 8.5, IQ है 101 जो कि काफी अच्छा है, और प्रोफाइल स्कोर भी 85 है, इट मींस बच्चा बहुत ही सिंसियर है। और हमने प्रिडिक्ट पे क्लिक किया एंड इट सेज कि उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट का डेटा डालते हैं जो उतना अच्छा नहीं है डेटा, लेट्स से हमारा CGPA 5.5, IQ भी हटा देते हैं लेट्स से 78, और प्रोफाइल स्कोर बहुत ही कम है लेट्स से 30, ठीक है। और अब हमने प्रिडिक्ट पे क्लिक किया और अब ये बोल रहा है नॉट प्लेस्ड। सो यू कैन सी ये एंड्रॉइड ऐप कुछ खास नहीं है, बट इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कोई भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम जो आप करने वाले हो उसको आप कैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तक हमने सिर्फ वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया था, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को एक एंड्रॉइड ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको डेमो समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइज, अब हमने डेमो देख लिया है और आपके दिमाग में शायद क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि ये पूरी चीज़, ये पूरा फ्लो काम कैसे कर रहा है। तो इस सेक्शन में हम लोग समझेंगे कि एक मशीन लर्निंग मॉडल को एंड्रॉइड ऐप में कन्वर्ट करने का वर्क फ्लो क्या होता है, ठीक है। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस फॉलो किए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने बहुत बारी प्रोजेक्ट्स में मशीन लर्निंग मॉडल्स को किसी वेबसाइट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि आपके पास एक मशीन लर्निंग मॉडल होता है और आप उसको क्या करते हो, बहुत ईजिली सबसे पहले तो पिकल करके एक्सपोर्ट कर लेते हो, और फिर उसको आप इधर एक स्ट्रीमलेट वेब ऐप में ओपन कर सकते हो या फिर आप फ्लास्क वेब ऐप भी बना सकते हो, ठीक है। ये फ्लो हम लोग कई बार कर चुके हैं पुराने वीडियोस में। अब यहां पर इस वीडियो में जो हम डिफरेंट करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर भी हमारे पास एक मशीन लर्निंग मॉडल होगा, हम सबसे पहले उसको पिकल करेंगे। और इस बार प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास यहाँ पे हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इस तरफ, ये पाइथन है। यहाँ पे हम जो पूरा काम कर रहे हैं ये पाइथन में कर रहे हैं,
बट जब हम एंड्रॉयड एप्स बनाते हैं, जब हम एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं तो हम जावा यूज करते हैं, ठीक है, हम जावा यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस पिकल फाइल को ये जावा हैंडल नहीं कर पाएगा या समझ नहीं पाएगा, तो हमें बीच में एक ब्रिज चाहिए, ठीक है, एक कनेक्टिंग ब्रिज चाहिए जो पाइथन को जावा से बात करवा पाएगा। और वो ब्रिज क्या होगा? वो ब्रिज होगा एक एपीआई, एक फ्लास्क रेस्ट एपीआई होगा, जो क्या करेगा, इस पिकल को लेगा और लाइक यहां पे हम पूरा लॉजिक लिखेंगे प्रेडिक्शन का, और उसको जेसॉन के फॉर्मेट में जावा को दे देंगे और जावा उसको डिस्प्ले करेगा। तो इन अ वे ये जो मेरा एंड्रॉइड ऐप बनेगा, इसका जो पूरा फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो जावा में होगा, और इसका जो लॉजिक है, जो बैक एंड है, वो आ रहा होगा पाइथन के थ्रू बाया एपीआई। सो ये जो पूरा कनेक्शन है वो कुछ ऐसा है कि पाइथन विल टॉक टू द एपीआई विच इज बेसिकली जेसॉन, अ यूनिवर्सल लैंग्वेज जो सभी लैंग्वेजेस को समझ में आता है, एंड दिस विल बी रिसीव्ड बाय जावा, ठीक है। और इस साइड आपका यूजर है और इस साइड आपका मशीन लर्निंग मॉडल है। सो दिस इज द एंटायर फ्लो, ठीक है। एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ, आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे, उसको आप एक फ्लास्क एपीआई में कन्वर्ट कर दोगे। एपीआई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एपीआई का आउटपुट जेसॉन में होता है, जिसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है। और अब हम क्या करेंगे, जावा एंड्रॉइड ऐप के थ्रू इस एपीआई पे हिट करेंगे, ये एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा जेसॉन में, और वही जेसॉन हम पार्स करके हमारे एंड्रॉइड ऐप में डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर फ्लो। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब कुछ थोड़ा डिफिकल्ट साउंड कर रहा है, क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो दो तीन चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको एपीआई बनाने के लिए फ्लास्क आना चाहिए। फ्लास्क बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, ऑनेस्टली इट वुड हार्डली टेक 1 or 2 hours टू लर्न फ्लास्क। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे मैंने 1 घंटे के वीडियो में फ्लास्क सिखाया है। बहुत ही सिंपल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और ऑब्वियसली सेकेंड चीज जो आपको आनी चाहिए वो है जावा को यूज करके एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। अब इसके लिए भी मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, और अगर आप इसके 3-4 वीडियोज भी देख लोगे तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशियंट, आपको जावा के थ्रू एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट आ जाएगा। जावा पूरी तरीके से सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ मेरा प्लेलिस्ट देख लो जिसमें 10-12 वीडियोज हैं छोटे छोटे, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि आप कैसे एंड्रॉइड ऐप्स बना सकते हो, ठीक है। अगर ये दो चीजें आपको आती हैं तो फिर ये वीडियो आपको बहुत ईजी लगेगा, और अगर नहीं आती है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट स्टिल मुझे लगता है मैं आपको समझा पाऊंगा कि आप ये पूरा फ्लो कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट देन। सो गाइस, कोडिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, प्रिसाइजली 3 steps में ये पूरा काम होगा। जो पहला स्टेप होगा उसमें हम मॉडल को बिल्ड करेंगे, ठीक है, जैसा आप नॉर्मली कभी भी करते हो, ठीक है। मॉडल बिल्डिंग हमारा step 1 होगा। step 2 में हम API बनाएंगे, फ्लास्क API, ठीक है। और step 3 में हम हमारा एंड्रॉइड ऐप बनाएंगे। ये 3 steps हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉडल बिल्डिंग। अब सिंस ये एक रियल वर्ल्ड डेटा नहीं है, ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने एक टॉय डेटा सेट लिया है, तो मॉडल बिल्डिंग में हम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले। आई विल क्विकली शो यू द नोटबुक, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, डेटा को इंपोर्ट किया, डेटा का शेप इतना है और ये रहा मेरा डेटा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है जिनके बारे में मुझे CGPA पता है, IQ पता है, प्रोफाइल स्कोर पता है, और फिर मुझे ये भी पता है कि उनकी प्लेसमेंट लगी या नहीं लगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक्स और वाई अलग किया, एज एन इनपुट और आउटपुट अलग किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, और यहाँ पे मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है, उसको यूज किया है। और भी एल्गोरिथम्स में ट्राई कर सकता था, बट रैंडम फॉरेस्ट जनरली अच्छे रिजल्ट्स देता है। सो सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर वैल्यूज के साथ, ट्रेनिंग डेटा फिट किया, वाइब्रेट कैलकुलेट किया, एक्यूरेसी स्कोर निकाला,
और एक्यूरेसी स्कोर आ रहा था 88.3%। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर मैं इसमें थोड़ा दिमाग लगाता तो मैं थोड़ा इंप्रूव कर सकता था, बट अगेन इस वीडियो का मेन आइडिया ये नहीं है कि हमें बेस्ट मॉडल बनाना है। इस वीडियो का मेन आइडिया है कि आपको ये सिखलाना है कि आप कैसे मशीन लर्निंग मॉडल को एंड्रॉइड ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज वाई नेक्स्ट स्टेप में मैंने सीधे सीधे क्या किया कि जो हमने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया था उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यूजिंग पिकल। ठीक है, और एक्सपोर्ट करते टाइम इस फाइल का नाम रखा है मैंने model.pkl और इसको मैंने रन किया, और अगर मैं आपको डायरेक्टरी में शो करूं तो ये रहा हमारा मॉडल। ठीक है, अब इसी मॉडल को यूज करके मैं हमारा API बनाऊंगा और फिर उस API को यूज करके एंड्रॉइड ऐप बनाऊंगा। सो गाइज, अब हम लोग अपना फ्लास्क API बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें एक नया PyCharm में प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम हम लोग रख सकते हैं स्टूडेंट प्लेसमेंट प्रिडिक्टर एंड्रॉइड ऐप। मैं जानबूझ के इतना बड़ा नाम लिख रहा हूँ बिकॉज फ्यूचर में मुझे जब अपने प्रोजेक्ट्स को देखना होता है तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, सो दैट इज वाई इतना लंबा नाम रखा मैंने। और उसके बाद हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज करेंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। क्रिएट किया प्रोजेक्ट को, थोड़ा टाइम लेगा, एक काम करता हूँ मैं वीडियो पॉज करके रिज्यूम करता हूँ। सो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और मैंने एक और काम किया, जो model.pkl फाइल हमारी यहाँ पे बनी थी इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा, आई विल कॉल इट एज ऐप, और यही वो फाइल होगा जहाँ पे मेरा API मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब API क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले फ्लास्क मॉड्यूल की जरूरत है, तो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू टर्मिनल फॉर दैट एंड यू हैव टू टाइप pip install flask, एंटर मारोगे और फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक मैं आपको एक सैम्पल फ्लास्क कोड लिख करके दिखाता हूँ। तो एक बेसिक फ्लास्क ऐप बनाने के लिए आपको सबसे पहले फ्लास्क मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होता है, फिर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो फ्लास्क का लाइक दिस, और उसके बाद आपको बेसिक राउट्स क्रिएट करने होते हैं, ऐप डॉट राउट स्लैश डेफ होम रिटर्न हेलो वर्ल्ड, और यहां पर वी कैन जस्ट write if name equal to main then app dot run debug equals true कर सकते हैं। ठीक है, and this is the flask application। so अगर आप अपने flask app को run करोगे by right clicking and clicking on run app तो आपको एक URL मिलता है आपके local machine पर, एंड यू कैन सी हमारा फ्लास्क एप्लीकेशन रन कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस फ्लास्क एप्लीकेशन को एक API में कन्वर्ट करना है, बट API में कन्वर्ट करने के पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा, हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है पोस्टमैन। सो आई गेस आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा अगर आप APIs के साथ कभी भी काम किए होगे। सो पोस्टमैन बोल के एक सॉफ्टवेयर है, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मशीन पर। इस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि अगर आप कोई API बना रहे हो तो आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो आपको सिंपली बस इसको डाउनलोड करना है अपने मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। मेरे केस में इट वाज विंडोज 64-bit, मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। आई विल शो यू द सॉफ्टवेयर, दिस इज द पोस्टमैन एप्लीकेशन। सो दिस इज द UI, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू क्रिएट न्यू, HTTP रिक्वेस्ट पे जा सकते हो और यहाँ पर हम अपना API टेस्टिंग करेंगे, बट वो बाद की बात है। बट या इस स्टेप में आप ये कर लो कि आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो। अब मैं वापस जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपना फ्लास्क एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा, एज इन अपना फ्लास्क API क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो What I will do is, मेरा जो API है वो इस पाथ पे एग्जिस्ट करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, स्लैश प्रिडिक्ट, इस पाथ पे, इस रूट पे मेरा API एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ प्रिडिक्ट, और
और एक चीज, मेरा जो एपीआई है वो पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा. सो दो तरह के रिक्वेस्ट आप हैंडल कर सकते हो, गेट या पोस्ट. गेट में आप यूआरएल के थ्रू इनपुट लेते हो, पोस्ट में आप विदाउट यूआरएल इनपुट लेते हो. सो जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस मैं अपना सारा का सारा इनपुट जो यूजर से लूंगा वो यूआरएल के थ्रू नहीं होगा, सो पोस्ट के थ्रू होगा. सो यहाँ पे आपको ये स्पेसिफाई करना होता है, मेथड्स इक्वल टू पोस्ट, ठीक है. उसके अलावा आपको मतलब जब भी यूजर फॉर्म के थ्रू डेटा भेज रहा है, सिंस आपने देखा था हमारा एंड्रॉइड ऐप में यूजर एक फॉर्म फिल कर रहा है, फॉर्म के थ्रू जब भी डेटा आता है आपको रिक्वेस्ट के थ्रू उसको हैंडल करना होता है. सो अब होगा क्या कि जब भी यूजर हमारा ऐप यूज करेगा वो तीन चीजों का इनपुट मुझे देगा, स्टूडेंट का CGPA, IQ एंड प्रोफाइल स्कोर, ठीक है. तो वो तीनों इनपुट्स को हमें रिसीव करना है और उन तीनों इनपुट्स को मॉडल में देना है, मॉडल एक प्रेडिक्शन देगा, उस प्रेडिक्शन को वापस भेजना है, ठीक है. तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं वो इनपुट्स को रिसीव करता हूँ, ठीक है. सो पहला इनपुट होगा CGPA, दिस विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, और जिस नाम से वहां से भेजा जा रहा है CGPA के नाम से ही भेजा जा रहा है, लेट्स से. फिर आएगा IQ, यहां पर भी आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, और यहां पर आप IQ दे दोगे. और फिर प्रोफाइल पिक्चर क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, बार बार इट शुड बी प्रोफाइल स्कोर. एक्चुअली प्रोफाइल स्कोर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, और सेम नाम से हम उसको रिसीव करेंगे, प्रोफाइल स्कोर. अब फिलहाल मैं मॉडल से प्रिडिक्शन करवाने के बदले डायरेक्टली जो मुझे मिल रहा है उसी को वापस डिस्प्ले कर दूंगा. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी बाय द नेम ऑफ रिजल्ट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CGPA का वैल्यू जो CGPA के अंदर है, IQ का वैल्यू जो भी IQ के अंदर है, और प्रोफाइल स्कोर का वैल्यू जो भी प्रोफाइल स्कोर के अंदर है, ठीक है. और मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ इस डिक्शनरी को, बट हमें इसको JSON फॉर्मेट में भेजना है तो हमें JSONify फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और JSONify के अंदर हम अपनी डिक्शनरी को पास कर देंगे, और अब ये जो आउटपुट मिलेगा किसी को भी वो एक JSON फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज राइट नाउ माई API, ठीक है. सो अगर आप इसको ये तीन इनपुट्स दोगे तो ये आपको ये डिक्शनरी पलट करके देगा, ठीक है. सो मैं इसको रन कर रहा हूं, ये रहा हमारा URL, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, और अब मैं क्या करूंगा इसको टेस्ट करूंगा पोस्टमैन में. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट किया, ये मेरा URL है बट मेरा जो पाथ है वो प्रिडिक्ट है. अब मैं क्या करूंगा, बॉडी में जाऊंगा और फॉर्म डेटा सेलेक्ट करूंगा, और यहां से मैं तीनों फॉर्म डेटा पास कर सकता हूँ. सो मेरा पहला फॉर्म डेटा क्या है, CGPA. यहाँ पे मैं CGPA क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे CGPA लिखा है. CGPA का वैल्यू है मान लो 8.1. उसके बाद आएगा IQ, यहाँ पे मैं IQ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने IQ लिख रखा है, IQ मान लो है 100. और लास्टली प्रोफाइल अंडरस्कोर स्कोर, अगेन बिकॉज मैंने यहाँ पे ये सेम चीज लिख रखी है, प्रोफाइल स्कोर है 85, ठीक है. अब देखना जैसे ही मैं इस पे सेंड पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले ये सारा डेटा जा रहा है और यहाँ पे रिसीव हो रहा है, ठीक है. उसके बाद हम ये डिक्शनरी फॉर्म कर रहे हैं और उसको जेसॉन के फॉर्म में वापस भेज दे रहे हैं, तो वही डेटा मुझे यहाँ पे दिखाई देगा. सो जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया, यू कैन सी आई एम गेटिंग बैक द रिजल्ट. सो हो क्या रहा है पूरा फ्लो, पोस्टमैन ये HTTP रिक्वेस्ट मार रहा है हमारे API पे, विच इज दिस वन, और ये API ये रिस्पॉन्स सर्व कर रहा है जो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. फ्यूचर में क्या होगा, पोस्टमैन के बदले हमारा एंड्रॉइड ऐप HTTP रिक्वेस्ट मारेगा और जो भी रिस्पॉन्स है वो एंड्रॉइड ऐप को मिलेगा. अभी हम लोग बस टेस्टिंग कर रहे हैं. तो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हमारे ऐप को इम्प्रूव करते हैं, मॉडल के थ्रू प्रिडिक्शंस करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पिकल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं मॉडल को अनपिकल करूंगा. आई वुड राइट पिकल डॉट लोड, ओपन फाइल का नाम है model.pkl, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ रीड बाइनरी मोड में. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये करने की तो जरूरत ही नहीं है. वॉट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फर्स्ट क्रिएट द इनपुट क्वेरी, और इसके लिए मुझे लगेगा numpy. सो आई वुड राइट इम्पोर्ट नम
पाई नंपाई नहीं है, सो विल हैव टू गो टू टर्मिनल और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा pip install numpy और numpy install हो गया. We would write import numpy as np. यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और एक 2D array बनाएंगे. We would write np dot array. एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट पास करेंगे जहाँ पे सबसे पहले होगा cgpa, iq and profile score. यही इनपुट होगा मेरे मॉडल के लिए. मैं लिखूंगा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन होगा उसके अंदर. आई विल पास माई इनपुट क्वेरी. जो भी रिजल्ट आएगा वो एक एरे होगा. उस एरे का जीरोथ आइटम मैं निकाल लूंगा, या तो वो जीरो होगा या तो वन होगा. उसको मैं स्टोर कर लूंगा रिजल्ट में. और रिजल्ट के बाद यहाँ पर बेस्ड ऑन द रिजल्ट आई वुड राइट इफ रिजल्ट इज इक्वल टू वन. इसका मतलब मेरा मॉडल बोल रहा है कि बच्चे का प्लेसमेंट हो जाएगा. तो आई वुड रिटर्न JSONify एक डिक्शनरी जहां पे लिखा होगा प्लेसमेंट. इनफैक्ट एक काम कर सकते हैं, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. सीधे सीधे वी कैन राइट JSONify रिजल्ट. प्लेसमेंट हमारा की है और रिजल्ट उसका वैल्यू है. एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज माई API. अब ये एक मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू हमें प्रिडिक्शन दे रहा है. अगर आपको टेस्ट करना है आपको फिर से इसको रन करना पड़ेगा. और यहाँ पे हमें sklearn की जरूरत पड़ रही है. तो एक काम कर लेते हैं, टर्मिनल में जा करके pip install sklearn कर लेते हैं. सो हम रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल यूज कर रहे हैं, तो शायद इंटरनली उसको scikit-learn लाइब्रेरी की जरूरत पड़ रही है. सो हमने इंस्टॉल कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है. एंड यू कैन सी मॉडल इज इंस्टॉल्ड. अब हम इसको फिर से रन करते हैं. एंड यू कैन सी हमारा ऐप अब रन कर रहा है. सो वी विल गो टू पोस्टमैन. और पोस्टमैन में हम क्या करेंगे, अब यही जो इनपुट्स हैं इनको दोबारा भेज देंगे. सेंड पे क्लिक किया और एक एरर आ रहा है. और एरर ये है कि int 64 को जेसॉन में पार्स नहीं कर सकते. तो हमें एक काम करना पड़ेगा, ये जो रिजल्ट हम पास कर रहे हैं उसको हम str में कन्वर्ट कर देंगे. छोटा सा बग. और अब अगर हम वापस जाएं और फिर से सेंड करें, यू कैन सी बोल रहा है कि ये जिस भी बच्चे का इनपुट है उसका प्लेसमेंट हो जाएगा. सो या हमारा API बन गया है और परफेक्टली काम कर रहा है. अब हमें बस लास्ट स्टेप करना है, थर्ड स्टेप. हमें हमारा एंड्रॉइड ऐप बनाना है जो इस API को यूज करके रिजल्ट्स डिस्प्ले करेगा. अब एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए आपको सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा. सो यू हैव टू जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड. और ये आपको पहला रिजल्ट मिलेगा developer.android.com. और यहाँ से आप एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं. थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, अराउंड 1 GB का. इसको आप डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन है. और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एंड्रॉइड स्टूडियो में आप कैसे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बनाते हो. सो गाइज, आपको इंस्टॉल करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट करना है. और आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन दिखाई देगा. वहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है. ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी सेलेक्ट करना है. ठीक है, जनरली आप स्टार्ट करते हो एम्प्टी एक्टिविटी से. सो मैं एम्प्टी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन को एक नाम देना है. सो फिलहाल मैं इसका नाम रख रहा हूँ स्टूडेंट ऐप. ठीक है, ये नाम जितना डिस्क्रिप्टिव हो उतना अच्छा है. बाकी की चीज़ों में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. इस जगह पे हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है मेरे केस में, आपके केस में आप चेक कर लेना. लैंग्वेज में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जावा और कोटलिन. हम जावा यूज करके इस ऐप को बनाने वाले हैं. और मिनिमम SDK जो है वो है API 21. लॉलीपॉप ऑनवर्ड सारे डिवाइसेस पे रन करेगा. आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो. जैसे अगर आप मार्शमेलो, अच्छा लोरेस्ट, जो लोएस्ट है वही सबसे ज़्यादा परसेंटेज डिवाइसेस को कवर कर पाएगा. सो फिलहाल हम लोग जो डिफॉल्ट सेटअप है उसको यूज़ कर रहे हैं. और अब हम फिनिश पे क्लिक कर रहे हैं. एंड्रॉइड स्टूडियो इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, सभी को पता है ये कि थोड़ा स्लो है. और अगर आपके लैपटॉप में इनफ रैम नहीं है तो परेशान कर सकता है. सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम जो आपको देखना पड़ेगा वाइल डेवलपिंग इन एंड्रॉइड. सो अभी ग्रेडल सिंक हो रहा है एंड इट मे टेक सम टाइम. तो वीडियो पॉज कर रहा हूँ
और विल रिज्यूम आफ्टर दैट। सो गाइज हमारा प्रोजेक्ट रेडी है और अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे ऐप का यूआई बनाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट पता होगा तो आपको पता है कि यूआई हम एक्सएमएल फाइल में बनाते हैं। यहाँ पे हम स्प्लिट डिजाइन ऑप्ट करेंगे, इसको मैं कोलैप्स कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कोड करेंगे और यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो कोड है ये मैं हटा रहा हूँ और मैं इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर रहा हूँ टू लीनियर लेआउट। आई प्रेफर लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के साथ आपको बताना पड़ता है कि आपका ओरिएंटेशन क्या होगा। हम वर्टिकल ओरिएंटेशन यूज करेंगे। उसके ठीक नीचे हम लोग एक टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे जो मैच पेरेंट और रैप कंटेंट होगा। इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट होगा स्टूडेंट प्लेसमेंट प्रिडिक्टर, ठीक है। इसका टेक्स्ट साइज हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, लेट्स से 30 dp। इसको हम सेंटर में लेके आ रहे हैं यूजिंग टेक्स्ट अलाइन और इसको हम मार्जिन टॉप दे रहे हैं 20 dp का, लाइक दिस, या फिर 30 भी कर सकते हैं। दिस इज द टेक्स्ट जो सबसे ऊपर दिखाई देगा हमारे ऐप में। अब इसके बाद हमें 3 फॉर्म फील्ड्स क्रिएट करनी है जहाँ पे यूजर CGPA, IQ और प्रोफाइल स्कोर बताएगा। सो वी वुड राइट एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, रैप कॉन्टेंट। यहाँ पे मुझे हिंट बताना है, हिंट में लिखा होगा CGPA बताओ, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको एक ID देना है, ID होगा CGPA। इसी ID से मैं इसको जावा में फेच करूँगा। आई कैन ऑल्सो गिव इट अ मार्जिन टॉप ऑफ 20 dp और दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट। सेकेंड वाला हो जाएगा IQ, इसका ID भी हो जाएगा IQ, ये हो जाएगा प्रोफाइल स्कोर और इसका ID भी हो जाएगा प्रोफाइल स्कोर, ठीक है। अब हमें बस एक बटन चाहिए, सो वी वुड राइट बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट। बटन का टेक्स्ट होगा प्रिडिक्ट और मार्जिन टॉप होगा 20 dp या फिर पता नहीं 30 dp ज्यादा अच्छा लगेगा। और इस बटन को भी हम एक आईडी दे देंगे और आईडी होगा BTN या फिर प्रिडिक्ट एंड दैट्स द बटन। और इसके ठीक नीचे हम रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे, उसके लिए हमें एक और टेक्स्ट व्यू लगेगा, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। टेक्स्ट होगा कि प्लेसमेंट होगा, ये हमारा आउटपुट है। टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, लेट्स से 50 dp लाइक दिस। और इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर पे ला रहे हैं और मार्जिन टॉप 30 dp या 50 dp कर देते हैं, 80 dp, या दिस इज फाइन। एक लास्ट चीज, इसको भी हमें एक आईडी देना पड़ेगा, आईडी होगा रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। एंड दिस इज आवर UI गाइज, ठीक है। अब इस UI को मैं आपको चला के दिखाऊंगा। सो चला के दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने AVD मैनेजर में जाना है और यहाँ पे आपको एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है। जैसे मैंने डिवाइस क्रिएट किया Pixel 5। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो भी अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप अपने डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी Android Q डाउनलोड कर रखा है, सो मैं क्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस डिवाइस का नाम मैं रख रहा हूँ माई Android 2, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी है, ठीक है। फिनिश पे क्लिक किया, सो मेरे पास अब 2 डिवाइसेस हैं, दोनों पिक्सल 5 हैं। सो मैं सेकंड वाले को चला रहा हूँ। सो AVD का फुल फॉर्म होता है Android वर्चुअल डिवाइस। सो एज यू कैन सी, ये बिल्कुल एक Android फोन पिक्सल 5 की तरह बिहेव करेगा। इसके अंदर एक Android ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है।
सो मैं कोड यहाँ पे लिखूंगा और उसको रन यहाँ पे करूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी द सेटअप। सो यू कैन सी गाइज, हमारा जो एवीडी है वो बूट अप हो चुका है। अब हम इसके ऊपर हमारे ऐप को रन करके देखेंगे कि हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। सो कुछ नहीं करना है हमें, बस इस रन ऐप बटन पे क्लिक करना है। एक बार ग्रैडल बिल्ड होगा और उसके बाद ऐप रन होने लगेगा हमारे डिवाइस के ऊपर। सो पहली बार चलने में थोड़ा टाइम लगता है, ग्रेजुअली थोड़ा इम्प्रूव कर जाता है वो टाइम। एंड गाइज यू कैन सी, हमारा ऐप इस तरीके का दिखाई देगा एक एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो हमारा यूआई हो गया। एक छोटा सा चेंज मुझे करना है कि यहाँ जहाँ पे लास्ट में हमने टेक्स्ट व्यू बनाया, यहाँ पे हम इनिशियली कोई भी टेक्स्ट नहीं दिखाएंगे। ये टेक्स्ट हमारे मॉडल के प्रिडिक्शन के बेसिस पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो इनिशियली ये ब्लैंक रहेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इस ऐप का बैकएंड लिखना है जावा में। और बैकएंड में क्या होगा, बैकएंड में आप यूजर से ये इनपुट्स को लोगे, हमारे एपीआई पे हिट करोगे और एपीआई से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको वापस इस ए यूआई में डिस्प्ले करोगे। दिस विल बी द एंटायर फ्लो। सो देर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि हमने जो एपीआई बनाया है वो अभी लोकली हमारे मशीन पर है, हमारा एंड्रॉयड डिवाइस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के डिटेक्ट करने के लिए हमें अपने एपीआई को उठा करके ऑनलाइन करना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं उसको हेरोकू पे डिप्लॉय करूंगा सो दैट उस एपीआई को कोई भी दुनिया में कोई भी यूज कर पाए, ठीक है। सो गाइस, हेरोकू पे डिप्लॉय करने के लिए आपको सबसे पहले हेरोकू में लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हो। सो मेरा अकाउंट पहले से है, मैं लॉग इन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा न्यू पे क्लिक करके। इसका नाम होगा कैंपस एक्स स्टूडेंट हाइफन ऐप, ठीक है। ये अवेलेबल है, क्रिएट ऐप पे क्लिक किया और ये रहा हमारा ऐप, ठीक है। अब हमें इसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के पहले आपको हेरोकू सीएलआई इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आप विंडोज के लिए, अगर आपका मशीन विंडोज है तो इंस्टॉल कर लेना, और कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें अपने पाईचार्म प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के पहले कुछ फाइल्स बनानी है। सो सबसे पहली जो फाइल आपको बनानी है उसका नाम है प्रॉक फाइल, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये कमांड पेस्ट करना है, ये कमांड ही आपके ऐप को रन करता है हेरोकू के ऊपर। उसके बाद आपको दो फाइल्स और बनानी है, एक फाइल होगी गिट इग्नोर, जहाँ पे सिर्फ आप VENV लिख दोगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला फोल्डर इंक्लूड नहीं होगा, वो डिप्लॉय नहीं होगा। और लास्टली आपको चाहिए है एक रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT फाइल। यहाँ पे आपको चार लाइब्रेरीज इंस्टॉल करवानी है। सबसे पहले आपको फ्लास्क इंस्टॉल करवाना है, फिर नंपाई, फिर SKLearn और लास्ट में आपको जी यूनिकॉर्न इंस्टॉल करवाना है अपने सर्वर पे, ठीक है। ये रहा हमारा सेटअप। अब बस हमें क्या करना है, लाइन से ये सारे कमांड्स रन करने हैं। तो सबसे पहले मैं रन करूंगा हेरोकू लॉगिन, ये मुझे ऑथेंटिकेट करेगा। लॉगिन पे क्लिक कर लिया, हम ऑथेंटिकेट हो गए। अब मुझे एक एक करके ये सारे कमांड्स रन करने हैं। सबसे पहले गिट इनिशियलाइज किया, सॉरी गेट इनिशियलाइज किया, उसके बाद ये कमांड रन किया, उसके बाद गेट ऐड किया सब कुछ, उसके बाद गेट कमिट किया और फाइनली हमने पुश कर दिया। नाउ दिस मे टेक सम टाइम, सो आई विल वेट। सो यू कैन सी गाइज, हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये रहा हमारा होम पेज, हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस एपीआई को टेस्ट करेंगे यूजिंग पोस्टमैन। सो आई विल कॉपी दिस यूआरएल, आई विल गो टू होम, क्रिएट न्यू HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे आई विल पेस्ट द यूआरएल स्लैश प्रिडिक्ट पोस्ट बॉडी फॉर्म डेटा, CGPA है किसी का 8.5
5, आईक्यू है 100, और अब हमारा जो प्रोफाइल स्कोर है वो भी है लेट्स से 90, ठीक है। सेंड पे क्लिक किया एंड यू कैन सी हमारा एपीआई रिस्पॉन्ड कर रहा है हेरोकू से, प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको एंड्रॉइड के थ्रू फेच करेंगे इस डेटा को। सो गाइज, हम लोग अब एंड्रॉइड स्टूडियो में है, हमने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में हमारा यूआई डिजाइन किया था, अब हम लोग बैकएंड यहाँ पे लिखेंगे जावा फाइल में, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सो हम सबसे पहले 3 एडिट टेक्स्ट वेरिएबल्स बना रहे हैं, जो CGPA, IQ और प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल स्कोर का जो भी वैल्यूज उनको रिसीव करेगा। सो मैं सेम नाम से बना रहा हूँ, CGPA, IQ एंड प्रोफाइल स्कोर। मुझे एक बटन ऑब्जेक्ट बनाना है, आई विल कॉल इट प्रिडिक्ट, ऑल्ट एंटर, और मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए है जिसका नाम होगा रिजल्ट, जहां पे हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को कनेक्ट करेंगे हमारे फ्रंट एंड से इनसाइड दिस मेथड ऑन क्रिएट। सो वी वुड राइट CGPA इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट CGPA, और इसी तरीके से हम बाकियों को भी कनेक्ट करेंगे। सो आई जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट पेस्ट, ये तीनों एडिट टेक्स्ट के लिए हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब देखो फ्लो कैसा रहेगा कि यूजर ये तीनों चीजें टाइप करके प्रिडिक्ट पे क्लिक करेगा। प्रिडिक्ट के क्लिक पे हमें क्या करना है कि हमारे API पे हमें जाके हिट करना है, और फिर रिस्पॉन्स जो आएगा उसको यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम बटन का क्लिक को डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें एक ऑन क्लिक लिसनर बनाना पड़ेगा। सेट ऑन क्लिक लिसनर, व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहां पर हम कोड लिखेंगे API हिट करने का, ठीक है। अब API हिट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जिसको हम वॉली बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉली को इंस्टॉल करना है हमारे प्रोजेक्ट में। सो वॉली इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना है, वहां पे ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर जाना है, सेकेंड फाइल के अंदर, और यहीं पर आप ये कोड पेस्ट कर दोगे लास्ट में, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन com.android.wally, यहाँ से हम इस वर्जन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कब होगा, जब हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि फाइल्स डाउनलोड हो रही है हमारे प्रोजेक्ट में, और हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट काम क्या है कि API हिट करने के लिए, सिंस API Heroku पे है, हमें इंटरनेट परमिशन चाहिए होगा, हमारे ऐप को इंटरनेट परमिशन चाहिए होगा। तो हम मैनिफेस्ट में जाएंगे, और मैनिफेस्ट में जाकर के हम ये कोड लिखेंगे, यूजेस परमिशन इंटरनेट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज आपका कोड काम नहीं करेगा। सो गाइज, अब हमें बस वो लास्ट बिट ऑफ कोड लिखना है जहाँ पे हम वॉली को यूज करके हमारे API को हिट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑल्ट एंटर हिट करने से इंपोर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे मुझे चार चीजें बतानी है, ठीक है। फर्स्ट मुझे बताना है कि हमारा जो रिक्वेस्ट होगा, जो हम API पे हिट करेंगे, वो किस टाइप का होगा, गेट होगा या पोस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट के तरीके से हिट करेंगे। सेकंड, हमें एक URL यहाँ पे देना है। तो URL के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिंग URL बना लेंगे, और URL क्या होगा, जो हमने यहाँ पे यूज किया था, ये URL हम यूज करेंगे Heroku का, लाइक दिस। ऑल्सो दिस शुड बी डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये जावा है, जावा में स्ट्रिंग्स को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना URL प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद मुझे दो चीजें और प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट, एक लिसनर प्रोवाइड करना है जो तब इन्वोक होगा जब हमारा API पे हम सही से हिट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू
लिसनर, रिस्पॉन्स लिसनर, ठीक है। सो ये कोड कब ट्रिगर होगा, जब आप एपीआई पे सही से हिट करोगे, उसके बाद कॉमा दे करके आपको एक और लिसनर क्रिएट करना है इन केस एपीआई को हिट करने में एरर आ रहा है, मतलब एपीआई डाउन है, सर्वर डाउन है, कुछ भी है, तो आप ये कोड लिखोगे। सो बेसिकली जब एपीआई सही से हिट होगा तो हम यहाँ पे कोड करेंगे, और जब कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। और अब एक लास्ट चीज मुझे क्या करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, और यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू इज इस जगह पे आई हैव टू पास द पोस्ट पैरामीटर्स, आईक्यू का वैल्यू, सीजीपीए का वैल्यू, ये सब मुझे यहाँ पे पास करना है। तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट दिस कोड एट द रेट ओवरराइड, और यहाँ पर मुझे एक प्रोटेक्टेड मेथड बनाना है जिसका आउटपुट एक हैश मैप होगा विथ की वैल्यू पेयर्स बोथ एज स्ट्रिंग्स। इस फंक्शन का नाम होना चाहिए गेट पैरामीटर्स, और इसके अंदर आप क्या करोगे, आप एक हैश मैप बनाओगे जो कि जिसका की भी स्ट्रिंग होगा और वैल्यू भी स्ट्रिंग होगा। इसका नाम आप रख सकते हो पैरामीटर्स या पैरम्स। दिस विल बी इक्वल टू अ न्यू हैश मैप विद स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां पर अब मैं बस क्या करूंगा, ये जो पैरम्स है इसके अंदर मैं आइटम्स ऐड करता जाऊंगा। सो पहला आइटम होगा CGPA, और इसका वैल्यू मुझे मिलेगा ऊपर यहां से, इस CGPA से, एडिट टेक्स्ट से। सो आई वुड राइट CGPA डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, उसके बाद पैरामीटर्स डॉट पुट IQ, और यहां पे आ जाएगा IQ डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। द लास्ट वन वुड बी parameters.put profile underscore score profile score dot get text dot to string, ठीक है। क्यों हो गए मेरे parameters, यहाँ पे लग जाएगा एक semicolon, also this should be double inverted comma, actually मैं python में ज्यादा code करता हूँ तो आदत हो गई है। और यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा है, ये एरर क्या है, लेट्स सी, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ऑब्वियसली हमें रिटर्न कर देना है पैरम्स को, ठीक है, एंड दैट्स द कोड। अब बस एक लास्ट काम करना है, और वो ये है कि हमें एक रिक्वेस्ट क्यू बनाना है। सो आई वुड गो डाउन ओवर हियर, और मैं एक रिक्वेस्ट क्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑल्ट एंटर, लेट्स कॉल इट क्यू इज इक्वल टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पे मैं अपना करेंट कॉन्टेक्स्ट ले दूंगा विच इज मेन एक्टिविटी करेंट फाइल डॉट दिस, ठीक है। और अब बस मुझे क्यू में रिक्वेस्ट ऐड करना है, और हमारा रिक्वेस्ट है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट विच इज दिस वन, ये जो हमने अभी क्रिएट किया, ठीक है। आप एक से ज्यादा रिक्वेस्ट भी अटैच कर सकते हो, बट हमें एक ही रिक्वेस्ट करना है। अब हम यहाँ पे आएंगे और हम कोड लिखेंगे कि अगर सही से सब कुछ होता है तो इस रिस्पॉन्स से हमें क्या करना है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स एग्जैक्टली ये है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट्स द सेम रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रिस्पॉन्स को जेसॉन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स कॉल इट जेसॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू जेसॉन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स पास कर दूंगा। बोल रहा है कि ये कोड को मुझे ट्राई कैच में रखना चाहिए क्योंकि गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जेसॉन ऑब्जेक्ट से गेट जेसॉन गेट स्ट्रिंग को कॉल करना है, और स्ट्रिंग जो आएगी वो प्लेसमेंट के नाम से आएगी। सो हम लिखेंगे प्लेसमेंट
और जो भी आउटपुट है उसको हम लोग एक स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं. लेट्स कॉल इट डेटा. ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ डेटा इक्वल्स, दो ऑप्शंस हैं, जीरो या वन. अगर वन है इसका मतलब प्लेसमेंट होगा, तो हम रिजल्ट जो हमारा टेक्स्ट व्यू है डॉट सेट टेक्स्ट में लिख देंगे प्लेसमेंट होगा. और एल्स अगर जीरो आता है तो हम रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट में लिख देंगे प्लेसमेंट नहीं होगा. ठीक है, एंड दैट्स आवर कोड. एक काम आप और कर सकते हो, जब ये एरर आए तो आप इसको टोस्ट में डिस्प्ले कर सकते हो बाय राइटिंग दिस कोड टोस्ट, और यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ पे आप एरर में जो भी है उसका गेट मैसेज टू स्ट्रिंग करके डिस्प्ले कर सकते हो. एंड दैट इज द कोड गाइस. ठीक है, दिस इज द कोड. अब हम इसको रन करेंगे एंड वी विल सी कि हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं. ऑल्सो गाइज, बिफोर रनिंग दिस कोड, यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है. ये जो गेट मैसेज है ये ऑलरेडी स्ट्रिंग के ऊपर ही है, और इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं होता, तो आप उसके ऊपर टू स्ट्रिंग लगाओगे तो वो एक नल एक्सेप्शन आता है. सो इसको हम हटा रहे हैं, और अब हम कोड को रन कर रहे हैं, और आई गेस लोड हो गया. ये रहा हमारा ऐप. लेट्स से हमारा सी जी पी एज 8.9, आई क्यू एज 100, और प्रोफाइल स्कोर इज 80. ठीक है, और इसको हमने रन किया, और ये देखो गाइस, ये बोल रहा है हमारा प्लेसमेंट होगा. ठीक है, सो ये एप्लीकेशन अब काम कर रहा है. अब बस एक लास्ट चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो APK फाइल जनरेट हुआ है इसको आप कैसे फेच कर सकते हो और अपने फोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो. सो APK जनरेट करना बहुत ही ईजी काम है. आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है, बिल्ड में जाना है, बिल्ड बंडल्स में जाना है, और बिल्ड APK पे क्लिक करना है. ये ऑटोमेटिकली आपका APK जनरेट कर देगा, ये देखो, और यहाँ से आप लोकेट पे क्लिक करोगे तो वो लोकेशन बता देगा जहाँ पे आपका APK फाइल जनरेट हुआ है, एंड दिस इज योर APK फाइल. ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हो और किसी को भी दे सकते हो. आप अपने फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग अ USB केबल. ठीक है, तो दैट्स इट, दैट्स द प्रोजेक्ट गाइज. सो दैट वॉज द प्रोजेक्ट गाइज. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, स्पेशली अगर आपने एंड्रॉइड नहीं पढ़ा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एंड्रॉइड प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा. आपको 2-3 घंटे लगेंगे, बट आपको बेसिक एंड्रॉइड डेवलपमेंट आ जाएगा, उसके बाद आपको ये वीडियो उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ठीक है, सो आई होप मैं आपको सिखा पाया कि मशीन लर्निंग मॉडल को एंड्रॉइड ऐप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. अब आपका चैलेंज है कि आप कोई भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट उठाओ और उसको एंड्रॉइड ऐप में कन्वर्ट करो. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.